का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आयन खुद मित्रो के साथ ही मिला हुआ होता है और जो कुछ भी अभी तक हुआ होता है वो सारा मित्रो का प्लान होता है। और हमने ये भी देखा था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब चीफ की वजह से हो रहा है, पर चीफ ऐसा क्यों कर रहे और किस लिए कर रहे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो और इस सीरीज के लास्ट एंड में। एपिसोड के शुरुआत में हम बर्ड पैंट को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हुआ होता है, हर तरफ मौत का मंजर होता है। तभी हम मित्सुओ और आयनोकुन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं। आयनोकुन कहता है तो ये सब शुरू हो गया? मित्सुओ कहता है हाँ, अब हमें बस एंड तक जाना है। आयनोकुन कहता है पर तेरा प्लान क्या है? मित्सुओ कहता है 2 दिन बाद बर्ड पैंट पे अटैक होगा, उसके बाद मेरी यादाश्त चली जाएगी और फिर 2 साल बाद मैं तुम्हारे के साथ तुझसे मिलने आऊँगा 26 जन को सुबह 10 बजे। तेरा काम रहेगा मुझे लेबोरेटरी तक पहुँचाना और मुझे उस चैम्बर में रखना। उसके बाद का सारा प्लान मैं तुझे तब बताऊँगा। और वहाँ से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे सुमेरे मित्सुओ से सीरियस होकर कहती है तो तुमने ही वो अटैक करवाया था जो बर्ड पैंट पे हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए? मित्सुओ कहता है हाँ वो मैंने ही करवाया था। तभी बर्ड पैंट मित्सुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं तुमने वो अटैक करवाया था और उसमें बहुत से लोग मासूम मारे गए। मित्सुओ कहता है मेरी बात मानिए बर्डमैन, ये सब करना ज़रूरी था, अगर मैं नहीं करता तो सब कुछ बदल जाता और जो हम करना चाहते वो कभी होता ही नहीं। हमारा अभी मेन मकसद होना चाहिए चीफ को पकड़ने पे। आखिर हम चीफ को कैसे पकड़ेंगे? वहाँ से कैमरा कट हो जाए और हम चीफ को देखते हैं जो किसी के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वो कहता है तो तुम करना क्या चाहते हो आगे? चीफ कहते हैं अब हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा है, मित्सुओ की यादाश्त जा चुकी है और हम अब फ्री है, बर्डमैन को मैं अकेले संभाल लूँगा, तब हमारा काम हो गया है। अब हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं बर्ड पैट पे और मेरा भाई, उसे तो मैं जान से मार दूँगा। तभी वो कहता है क्या तुमने अपने भाई को अभी तक मारा नहीं है? चीफ कहते हैं हाँ मैंने उसे नहीं मारा, मुझे बस अच्छा मौका चाहिए था उसे मारने का, मैं उसे दिखाना चाहता था उसके बगैर उसकी बर्ड पैनेट कैसे हालत में है, इसलिए मैंने उसे आज तक जिंदा रखा, लेकिन अब मेरा काम हो गया है। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम मित्सुओ और सुमेरे को वापस से देखते हैं। सुमेरे मित्सुओ से पूछती है अगर हमें चीफ को पकड़ना है तो उनके खिलाफ सबूत भी चाहिए होगा, तो हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे सबसे पहले। मित्सुओ कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारे सबूत रेडी है, आयनोकुन ने पहले ही सब सबूत इकट्ठा कर लिए थे, बस हमें जाकर चीफ को पकड़ना है। तभी बर्डमैन कहते हैं तो इसमें देरी क्यों, चलो हम जाकर चीफ को पकड़ते हैं। मित्सुओ कहता है आप क्या चीफ को हल्के में ले रहे, आपको पता है ना चीफ कौन है, वो आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और इस समय कहूँ तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर, मुझे अभी तक मेरी पूरी पावर पता भी नहीं है, इसलिए हम चीफ को यहाँ पे तो नहीं हरा सकते। तभी आयनोकुन कहता है अगर यहाँ पे नहीं तो फिर कहाँ पे मित्सुओ? मित्सुओ कहता है उस जगह पे, वो जंगल। तभी आयनोकुन कहता है तो फिर हम वहाँ पे चीफ को बुलाएंगे कैसे? मित्सुओ कहता है तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, चीफ खुद आएंगे उस जंगल में, हम सबको बस जाके वहाँ पे चीफ का इंतज़ार करना है और ये लड़ाई सच में बहुत खतरनाक होने वाली है, तो इसमें पहले ही मैं कह देता हूँ हम सबकी जान भी जा सकती है। तो मेरे कहती है मैं रेडी हूँ और बाकी सब भी रेडी होते हैं। तब सब लोग वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ से कैमरा कट होता है और हम चीफ को देखते हैं जो चीफ के साथ में बैठा होता है, वो कहता है आखिर तुमने अपने भाई को हराया कैसे, तुम्हारा भाई तो तुमसे ज़्यादा ताकतवर था और आखिर तुमने चीफ की जगह ली कैसे? तभी हम मित्सुओ और सुमेरे को भी देखते हैं जिसमें सुमेरे मित्सुओ से वही सवाल पूछती है आखिर चीफ अपने छोटे भाई से कैसे हार सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है चीफ सबसे ज़्यादा ताकतवर थे उस समय। मित्सुओ कहता है तुम्हारा कहना सही है, लेकिन जब धोखा मिलता है तो पीठ पीछे ही मिलता है, चीफ अपने भाई पर बहुत भरोसा करते थे और इसी भरोसे की वजह से वो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी सुमेरे कहती है उनके साथ हुआ क्या था आखिर, ये बात तुम्हें पता है? मित्सुओ कहता है हाँ मुझे पता है। तभी बर्डमैन कहते हैं मुझे ये बात जाननी है, ये मेरा जानना हक है,
तभी मुझसे कहता है ठीक है तो हम रास्ते में बात करते हैं। तभी हम चीफ को भी देखते हैं और उसके दोस्त को भी। मिच्छू और चीफ दोनों साथ में ही एक ही साथ में कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो दोनों साथ में कहते हैं ये बात 30 साल पहले की है जब चीफ और उनके छोटे भाई का जन्म हुआ था। तब चीफ को नाम दिया गया था गेटो और उनके छोटे भाई को कीम नाम दिया गया था। वो दोनों साथ में ही रहते थे और साथ में खेलते थे लेकिन उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। बड़े भाई होने की वजह से चीफ के पास कुछ अलग ही पावर थी बट उतनी नहीं थी जितनी काफ़ी होती है एक चीफ बनने के लिए। और छोटे भाई के पास बहुत ज़्यादा पावर थी पर वो डार्क एनर्जी थी ज़्यादातर। तभी ये डिफरेंस देखने के बाद जब वो दोनों बड़े हुए तो उन दोनों में से बड़े को चीफ बनाया गया और दूसरे को उसका रक्षक। तभी हम देखते हैं पास्ट में जहाँ पे गेतो अपने छोटे भाई कीम के साथ जा रहा होता है। कीम गेतो को डायरेक्शन बता रहा होता है। वो दोनों जाते जाते बहुत अंदर तक चले जाते हैं जंगल में और एक वैली आ जाती है जो वैली ऊपर से ओपन होती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। उसके बीच में एक पत्थर होता है जो उससे थोड़ा ऊँचा होता है जो ऐसा लग रहा होता है वो माउंटेन की शेप का है। फिर तभी हम देखते हैं कीम गेतो को कहता है उस पत्थर पर खड़े हो जाने के लिए और कीम गेतो के लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ पर अचानक से बहुत से लोग आ जाते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। जैसे ही गेतो अपना तलवार निकालता उन लोगों को मारने के लिए वो सब गेतो को एक लंबी रॉड से बांध देते हैं और वो कोई आम रॉड नहीं थी वो बर्ड पैंट के सबसे मजबूत मेटल थी जिसे कोई नहीं काट सकता था। बांधने के साथ साथ वो उसे हवा में लटका देते हैं और बहुत से लोग आते हैं और वो लोग गेतो के आर पार भाले को कर देते और तलवार को कर देते। जब तक गेतो की सांसें चल रही होती है तब तक वो लोग गेतो को मार रहे होते इस वजह से गेतो बहुत ही जल्दी अपनी दम तोड़ देता है और वहीं पे गेतो को उन लोग नीचे रख देते हैं। फिर तभी हम पीछे से देखते हैं कीम आता है और कहता है हमारा काम हो गया अब यहाँ से मैं चीफ हूँ और मेरा भाई अब मर गया है। और तभी वो लोग कीम के सामने नीचे झुक जाते और उसे चीफ कह के बुलाते। तभी हम देखते हैं बर्ड पैंट की स्थिति बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है। अचानक से चीफ का चले जाना और ये सब होना बर्ड पैंट को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी हम कुछ दिनों बाद देखते अचानक से वहाँ पे चीफ आ जाते लेकिन वो चीफ नहीं होते वो चीफ के ही चुबा भाई यानी कीम होता है। लेकिन असली चीफ तो मारे जा चुके असली चीफ का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चलता क्योंकि कीम ने ये खबर फैला दी थी कि एक लड़ाई में कीम मर जाता है और वहाँ पे सिर्फ गेतो ही सर्वाइव कर पाता है। और फिर हम देखते हैं सभी लोग कीम को एज अ चीफ एक्सेप्ट कर लेते बट गेतो के नाम की वजह से। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे मित्सो और कीम दोनों साथ में कहते वो पल था जिस पल ये सब शुरू हुआ। और ये कह के ही मित्सो अपनी सारी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम देखते हैं जो कीम के बाजू में बैठा होता है वो कहता है अब असली डीमन जाग चुका है हमारे ऊपर खतरा बढ़ गया है। तभी चीफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त कीम उसे कहता है नील तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है जो पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं होगा। नील कहता है ये तो किस्मत पे ऊपर है अगर हमने सही किया होगा तो हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। और ये कह के नील गायब हो जाता है। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें नील के बारे में पता ही होगा। फिर वहाँ से हम कीम को देखते हैं जो अपने बेड पर जाकर सो रहा होता है आराम करने के लिए। तभी हम देखते हैं कीम को एक सपना आता है जिसमें उसका बड़ा भाई होता है और वो कहता है तुमने मुझे तो मार दिया पर तुम मेरे बर्ड पैंट को कुछ नहीं कर पाओगे मेरे साथ अब मेरी एक टीम है उसको लीड मित्सो कर रहा है जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मित्सो की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो मुझे बचाने आ रहा है। और तभी कीम की नींद खुल जाती है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है पता नहीं उसने सपने में क्या देखा क्योंकि हमने तो सपना सिर्फ बीच में देखा और आधा देखा। कीम अपने बेड से उठता है और उस जगह के लिए निकल जाता है जिस जगह पे मित्सो गया होता है यानी उस जंगल में। तभी हम मित्सो और सुमेरे को देखते हैं। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है आखिर तुम हमें इसी जगह पे क्यों लाए और ये घर कैसी है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। मित्सो कहता है इस घर में हमारे पुराने चीफ कह दे। तभी बर्डमैन चौंकते हुए कहते क्या कह रहे हो तुम पुराने चीफ यानी कह तो
मिच्छो कहते हैं हाँ, इस घर में गेतो कैद है। गेतो उस समय मरे नहीं थे। आयना कुन मिच्छो से कहता है, पर ये सब कैसे हो सकता है? चीफ तो उस समय मर गए थे, ये तुमने ही हमें कहा था। मिच्छो कहता है, मैंने तुम लोग को आधी स्टोरी बताई, उसके बाद क्या हुआ मैंने तुम लोग को नहीं बताई। बर्डमैन कहते हैं, पर उसके बाद हुआ क्या? तभी मिच्छो कहता है, जो वैक्सीन मुझे दी गई थी वो पहली वैक्सीन नहीं थी बर्डमैन, वो दूसरी वैक्सीन थी जो पहली वैक्सीन का एडवांस वर्जन है। 30 साल पहले ही इस वैक्सीन को बनाया गया था और 30 साल पहले यह वैक्सीन चीफ को दिया गया था, यानी गेतो को। लेकिन ये बात किम को नहीं पता थी। जब गेतो को मारा गया और फिर बाद में चीफ ने जब गेतो को चेक किया तो गेतो जिंदा थे। उन्होंने अपने ऊपर एक कवच बना लिया था जिस वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स नहीं मरे, लेकिन ब्लीडिंग होने की वजह से वो सिर्फ बेहोश हुए थे। और किम उन्हें अपने साथ लेके चला जाता है। कुछ दिनों बाद किम को पता चलता है एक वैक्सीन की वजह से गेतो को इतनी सारी शक्तियाँ मिली है। उस दिन से किम वो वैक्सीन बनाने लगता है और गेतो को टॉर्चर भी करता है वो वैक्सीन का फॉर्मूला जानने के लिए, लेकिन गेतो उन्हें कुछ नहीं बताते। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में एडवांस होने की वजह से और फाइनली किम एक वैक्सीन बना लेते हैं और उसके बाद वो वैक्सीन मुझे मिल जाती है, वो आपको पता ही है वो कैसे मिली। तभी बर्डमैन कहते हैं, ये सब इतना कुछ हुआ और हमें कुछ भी नहीं पता। मिच्छो कहता है, ये आपसे छुपाया गया बर्डमैन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे जब ये पावर मिली और मैंने ये सब देखा तभी मैं समझ गया कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पाया इतना सब चीफ अकेले कैसे कर सकते हैं। मेरे भी कहती है, मेरे माइंड में भी यही डाउट आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चीफ आ चुके होते हैं। मिच्छो चीफ के सामने जाता है और कहता है, चीफ आप कैसे हैं, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे। किम कहता है, अब नाटक बंद करो मिच्छो, मुझे पता चल चुका है तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। मिच्छो कहता है, इतनी आसानी से तो नहीं हटूंगा। तभी वहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं, बर्डमैन, आयना कुन और सुमेरे। तभी हम देखते हैं किम के बाजू में कुछ लोग आ जाते हैं जो बहुत ही जाने पहचाने लग रहे होते हैं। तभी मिच्छो का अचानक से सर दर्द करने लगता है और नीचे बैठ जाता है। मिच्छो के सामने धुंधली धुंधली यादें आने लगती है और सुमेरे के सामने भी। तभी मिच्छो सुमेरे से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? सुमेरे कहती है, मुझे बहुत अजीब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने इन लोगों को देखा हुआ है। मिच्छो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने लोग कहीं पे तो देखा है पर कहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा। और इस वक्त मिच्छो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तभी किम उनके ऊपर अटैक कर देता है। किम मिच्छो को बहुत दूर फेंक देता है। आज सुमेरे ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो मिच्छो की मदद करना चाहती थी पर वो कुछ कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं होती, वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही ना। तभी बर्डमैन सुमेरे को एक परमानेंट सेट देते हैं जो मिच्छो का पुराना होता है, लेकिन वो परमानेंट सेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है जिस वजह से सुमेरे उससे लड़ पा रही होती है। सुमेरे बाकी सबसे लड़ रही होती है लेकिन वो मिच्छो के पास नहीं जा पा रही होती है क्योंकि मिच्छो और चीफ अलग ही जगह पे जा चुके होते लड़ते लड़ते। तभी हम देखते हैं मिच्छो और चीफ को जो लड़ते हुए एक दूसरे थोड़ी दूर जाते हैं और मिच्छो कहता है, तो फाइनली हम उस जगह पे हैं जिस जगह से ये सब शुरू हुआ था। चीफ कहते हैं, हाँ और इसी जगह पे ये सब ख़त्म होगा। तभी चीफ कहते हैं, ये वही वैली है जिस वैली में मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की। मिच्छो कहता है, उसमें भी तुम नाकाम रहे थे, अब ब्रॉडबैंड पे कब्जा करना उसमें भी तुम नाकाम ही हो गए। और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जब मिच्छो और चीफ के बीच में इतनी सारी फाइट चल रही होती है और बातें चल रही होती है, उसी वक्त मिच्छो मेरे बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। सुमेरे अभी मरने की हालत में होती है। अब बर्डमैन सुमेरे के पास आते हैं और सुमेरे को ऐसी हालत में देख के बर्डमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं बर्डमैन कुछ जेब से निकालते हैं अपने और उसे सुमेरे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद सुमेरे के आसपास बहुत सी रोशनी फैल जाती है। और तभी हम मिच्छो और चीफ की लड़ाई को देखते हैं जिसमें चीफ मिच्छो के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, उनकी डार्क एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी होती है और मिच्छो उनसे हार रहा होता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मिच्छो को चीफ मारने वाले होते हैं और मिच्छो बस थोड़ा सा बचा होता है। तभी अचानक से वहाँ बीच में कोई आ जाता है और वो कहता है, तुम मिच्छो को कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी चीफ कहते हैं, अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाली? तभी वो नीचे आती है और उसके आसपास जो लाइट होती है वो कम हो जाती है
और तभी मित्सो उसे देख के चौंक जाता है। वो और कोई नहीं सुमेरे होती है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। बर्डमैन जो सुमेरे के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे वो एक तीसरी वैक्सीन होती है जो सिर्फ बर्डमैन के लिए बनाई गई होती है, लेकिन बर्डमैन उसे नहीं लेते और वो सुमेरे को दे देते हैं, जिस वजह से सुमेरे के अंदर भी अभी पावर होती है। भले ही मित्सो से कम होती है क्योंकि सेकेंड वैक्सीन को इस तरह बनाया गया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन सुमेरे के पास भी अभी सुपर नेचुरल पावर होती है। तभी हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। सुमेरे और मित्सो दोनों ही मिलकर चीफ से लड़ रहे होते हैं। भले चीफ उससे ज़्यादा ताकतवर हो पर उन दोनों की कोऑर्डिनेशन की वजह से चीफ पे वो दोनों भारी पड़ रहे होते हैं, और ऐसे बहुत देर तक ये फाइट चलती है। और वहाँ पे आयना कुन और बर्डमैन दोनों ही आ गए होते। वो दोनों ने अपने काम कर दिया होता है। अब बस मित्सो और सुमेरे की बारी होती है चीफ को हराने की। तभी हम देखते हैं मित्सो और सुमेरे कुछ देर की फाइट के बाद चीफ को हरा देते हैं और चीफ हार जाते हैं। फिर वहाँ पे बर्डमैन की पुलिस आती है और चीफ को पकड़ लेती है, और वहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन जहाँ पे मित्सो और सुमेरे दोनों ही साथ में होते हैं और दोनों ने ही अपना काम कर लिया होता है। वो लोग अर्थ पे जाने के लिए रेडी होते हैं। अब बर्डमैन मित्सो को थैंक्स कह रहे होते हैं। तभी सुमेरे मित्सो से कहती है आखिरकार वो वक्त आ गया। मित्सो कहते हैं हाँ, अब हम दोनों साथ में अर्थ पे रहेंगे। तभी मित्सो सुमेरे से कहता है अब हम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सुमेरे कहती है नॉर्मल, हम दोनों के पास अभी पावर है, हम दोनों नॉर्मल नहीं है। मित्सो कहता है जब तक यहाँ पे सब कुछ सही है तब तक तो हम दोनों नॉर्मल ही हैं, हमें पावर इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत। और सुमेरे भी इस बात से एग्री करती है। सुमेरे मित्सो के कंधे पे अपना सर रखती है और आसमान की तरफ देखने लगती है, और मित्सो भी। तभी मित्सो कहता है नॉर्मल लाइफ ये सही है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम चीफ को देखते हैं जो अपनी जगह पे नहीं होते, और तभी बहुत से लोग परेशान होते हैं यानी कि पुलिस, और वो चीफ को ढूंढ रहे होते हैं। तभी चीफ के सामने वापस से नील आता है और कहता है मैंने कहा था ना डीमन जाग चुका है अब तुम्हें। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है। तो अगर किसी को पता है ये नील किस सीरीज में था और कहाँ से आया तो कमेंट ज़रूर करना। ये सीज़न 2 का एंडिंग था। इसके बाद मैरिज सीरीज आएगी और इसके बाद भी एक सीरीज आएगी जिसमें हम नील के बारे में जानेंगे आखिर नील यहाँ पे कर क्या रहा है। और सच में किसी को पता है कि नील कौन से सीरीज में था कमेंट ज़रूर करना। बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।